साल 1957, इंग्लैंड का साउथ अफ्रीका दौरा, टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच, मैदान डरबन का किंग्समिड। मेहमान बनकर आई इंग्लिश टीम पहले बल्लेबाजी पर उतरी, मतलब गेंदबाजी साउथ अफ्रीका की, और प्रोटियास गेंदबाज यू स्टाइफिल्ड तो जैसे इसी के ताक में थे। उन्होंने मौका भुनाते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नचाया और ऐसे नचाया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना गए। इस टेस्ट मैच को आज 67 साल हो गए हैं, लेकिन यू स्टाइफिल्ड का उस मैच बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। 25 जनवरी से 30 जनवरी 1957 के बीच खेले उस डरबन टेस्ट में इंग्लैंड ने पहली पारी में 218 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 283 रन बनाए। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग में 254 रन बनाए और साउथ अफ्रीका के सामने 190 रन का लक्ष्य रखा, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम 6 विकेट पर 142 रन ही बना सकी और मुकाबला ड्रॉ हो गया। मैच तो ड्रॉ हो ही गया, पर इसमें भी यू स्टाइफिल्ड कमाल कर गए। यू स्टाइफिल्ड ने पहली पारी में एक विकेट लेने के बाद दूसरी इनिंग में 8 विकेट चटकाए। इस तरह दोनों पारियों को मिलाकर इंग्लैंड के खिलाफ 1957 में खेले गए डरबन मैच में उन्होंने 9 विकेट लिए। लेकिन इस टेस्ट को इससे भी ज्यादा याद यू स्टाइफिल्ड के लगातार फेंके मिडन ओवर के चलते जाना जाता है। उन्होंने इस टेस्ट मैच में लगातार 22.5 ओवर मिडन फेंके थे, यानी 137 गेंदें उन्होंने लगातार डॉट फेंकी थी, मतलब जिन पर कोई रन बल्लेबाजों को नहीं दिए। यह आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि लगातार इतनी ज्यादा गेंदें डॉट अब तक किसी की भी नहीं फेंकी गई है। यू स्टाइफिल्ड की एक और खासियत थी, वो अपना हर ओवर शुरू करने से पहले टोपी पर किस करते हुए दिखाई देते थे, मतलब उसे चूमते थे और फिर एम्पायर को रखने देते थे। स्टाइफिल्ड साउथ अफ्रीका के लिए सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज भी थे। हालांकि उनका ये रिकॉर्ड 2008 में डेल स्टेन ने तोड़ दिया। ऐसे ही मजेदार क्रिकेट के किस्से सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स बीट इंडिया को।